नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ओम प्रकाश प्रजापति। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सड़क हादसे में डॉक्टर अशोक चक्रधर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उत्तर प्रदेश के देवबंद में फ्लाईओवर पर हुए सड़क हादसे में प्रख्यात कवि एवं पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर व उनकी पत्नी घायल हो गए। वह दिल्ली से मसूरी जा रहे थे। सूचना मिलते ही प्रख्यात शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी और पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायल दंपत्ति को उपचार के लिए नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। पद्मश्री कवि डॉक्टर अशोक चक्रधर 22 अगस्त रविवार को अपनी पत्नी बागेश्वरी के साथ इनोवा कार द्वारा दिल्ली से मसूरी उत्तराखंड जा रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे जैसे ही उनकी कार देवबंद स्थित फ्लाईओवर पर पहुंची तो इसी दौरान गलत दिशा से आ रही एक कार से उनकी भिड़ंत हो गई। घटना में दोनों पति पत्नी घायल हो गए। डॉक्टर अशोक चक्रधर ने घटना की जानकारी शायर नवाज देवबंदी जी को दी, जिसके बाद डॉक्टर नवाज ने इस बाबत स्थानीय अधिकारियों को अवगत कराया। तुरंत ही SDM राकेश कुमार सिंह, कोतवाल योगेश शर्मा और डॉक्टर नवाज देवबंदी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर अशोक व उनकी पत्नी को उपचार के लिए रेलवे रोड स्थित कैलाश चंद्र जैन मेमोरियल अस्पताल के ICU में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टर अशोक के सड़क हादसे में घायल होने की सूचना मिलते ही उनके चाहने वालों की अस्पताल में भीड़ जुट गई। अस्पताल के संचालक डॉक्टर DK जैन ने बताया कि डॉक्टर अशोक चक्रधर की कॉलर बोन और उनकी पत्नी के स्पाइन बोन में चोट है। दोनों को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। इसके बाद उन्हें दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं सड़क हादसे में घायल प्रसिद्ध व्यंग्यकार डॉक्टर अशोक चक्रधर का अंदाजे व्यंग भरा दिखा। हालचाल जानने के लिए SSP डॉक्टर S चुनप्पा का फोन डॉक्टर अशोक चक्रधर के पास आया। उन्होंने कहा कि आपकी धरा शानदार है, यहाँ मुझे फौरन उपचार व भरपूर प्रेम मिला, लेकिन SSP साहब, हाईवे पर गलत दिशा से आने वाले वाहनों को आपका इलाज करना होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।